खबर इंडिया 7। देश भर में छात्रों के हिंसक होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्कूलों में आए दिन छात्रों के बीच हिंसक घटनाओं के चलते कई जाने चली गई हैं, तो कहीं अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं देखने और सुनने को मिल जाती हैं। इन घटनाओं से यह साबित होता है कि दिनों दिन विद्यार्थियों के जीवन में संयम की कमी आती जा रही है, जो कि हमारी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। छात्रों में यह हिंसा की प्रवृत्ति आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? जब हमने इस पर लोगों से राय जानी तो कुछ ये वजह सामने आई। पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स आजीविका के साधन के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए सारे घर से बाहर इतना टाइम देते हैं, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। सेकंड रीज़न मुझे ये भी लगता है कि आजकल जो टीवी चैनल्स और पिक्चर्स, इसके माध्यम से बच्चे जो ग्रहण करते हैं, क्योंकि इतने हिंसक प्रकृति के किरदार दिखाते हैं उसके अंदर, बच्चे अच्छी चीज़ तो जल्दी ग्रहण करते नहीं, बुरी चीज़ जल्दी ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी हिंसक प्रकृति का बढ़ावा मिल रहा है उनको। सामंजस्य जो छात्र हैं और जो टीचर हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनमें कहीं बन नहीं पा रहा है कि टीचर एक आर्थिक रूप से इस कदर लूटने का काम कर रहे हैं बच्चों को कि वो भी एक ह्रास हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं कुल मिला के हम लोग दोषी हैं, जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग दोषी हैं। इन घटनाओं के पीछे पारिवारिक संस्कारों की कमी और जो छात्र के अध्यापक हैं उनमें चरित्र की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो टीचर हैं उनमें ज्ञान की अधिकता तो हो रही है लेकिन चरित्र का कहीं ना कहीं अभाव है। और चरित्र से हमारा तात्पर्य केवल शराब और अन्य बुराइयों से दूर होना ही नहीं है, बल्कि चरित्र एक सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो गुरुजनों के प्रति जो सम्मान स्टूडेंट से होना चाहिए वो मार्केटिंग के दौर में कहीं समाप्त हो गया है, और अमेरिका से शुरू हुआ गन कल्चर धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है, और अगर अमेरिकन पैटर्न पर ये गन कल्चर भारत में आ जाएगा तो भारत के कैंपसेस और स्कूल्स में इसके बहुत घातक रिजल्ट हो जाएंगे। कारण ये है कि जो अध्यापक है हमारे देश के अध्यापक हैं, वो जातिगत भेदभाव करते हैं और जिससे बच्चे हिंसक हो जाते हैं, और इसका खामियाजा पूरे देश में बदल। सोशल मीडिया का भी इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बच्चे YouTube, Facebook वगैरह सब देखते हैं और उससे मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ में उन्हें लाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये सब कुछ घटनाएं बढ़ रही है। माँ बाप से और परिवार से अलग होकर के बच्चे जो अपना टीवी के साथ में, मोबाइल के साथ में जो अपना एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके कारण भी जो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें बच्चों के सामने आ रही हैं, जो बच्चों को पता भी नहीं था बचपन में, आज प्री मैच्योर बच्चा हो गया है, और यही सारे कारण आज हिंसक प्रवृत्ति की ओर बच्चे को ले जा रहे हैं। मैं माँ बाप की लापरवाही, दूसरा मैं मानता हूँ स्कूल की प्रणाली भी हो सकती है, स्कूलों की आधुनिक प्रणाली क्या है, आज के टीचर कुछ चीज़ें मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक कानून बना है कि बच्चे को ज़्यादा नहीं मारना चाहिए, लेकिन पहले खुली छूट दे देते थे टीचर्स को कि आप, हमारा बच्चा आपके हैंडओवर है, तो अगर टीचर अच्छा होता तो वो बच्चे को लेके चलता है, वो स्वतंत्र होता है बच्चे को कहने के। लेकिन आज बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे टीचर्स को बाध्य कर दिया है कि आपको ये नहीं करना, मारना नहीं, तो बच्चों की स्कूल प्रणाली पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेजों में कई बार देखा गया है कि कई अध्यापक छात्र से जातिगत तौर पर गंडा भी करते हैं, जिस कारण बच्चा हथियार उठाने को मजबूर हो जाता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि कॉलेज के अंदर सभी को एक नज़र से देखा जाए, किसी बच्चे से कोई गंडा ना की जाए और किसी को कोई भी जाति संबंधी कोई भी टिप्पणी ना किया जाए। मैं तो मानता हूँ कि ये दोष गार्जियन का है कि अपने बच्चों को अपने सिस्टम के अंदर रखें, अपनी पॉकेट के अंदर अलाउड करने वाले स्कूल पर ही ध्यान दिया जाए, ना कि ऊँचे ऊँचे स्कूलों के ऊँचे ऊँचे खर्चों के बीच में उसे डाल दिया जाए, उसके बाद बच्चे हिंसक हो जाते हैं। बच्चों की चेकिंग होनी चाहिए कि बच्चा कोई भी चीज़ ना ले, मोबाइल भी बंद होने चाहिए स्कूल के अंदर, या तो बच्चे मोबाइल ले जाते हैं स्कूल, इससे भी गलत प्रभाव पड़ता है। वो कहने की कमी है, वो कमी अभिभावकों को और स्कूल मैनेजमेंट को खुद ही सही करना पड़ेगा, तभी बच्चे का भविष्य उज्ज्वल होगा। इससे पहले कि हालात और बिगड़े, अभिभावकों को समय रहते चेतना होगा, स्कूल संचालकों को
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे, वहीं प्रशासन को भी इस ओर कड़े कदम उठाने होंगे। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए